नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y33T versus Tecno Camon 19 Neo का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y33T में 6.46 इंच जबकि Camon 19 Neo में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y33T में 2.99 इंच जबकि Camon 19 Neo में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y33T में 0.31 इंच जबकि Camon 19 Neo में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y33T से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y33T में 182 ग्राम जबकि Camon 19 Neo में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Y33T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y33T में 6.58 इंचेस जबकि Camon 19 Neo में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y33T में 1080x2408 और Camon 19 Neo में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y33T में 83.76% जबकि Camon 19 Neo में 84.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y33T में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Camon 19 Neo में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y33T में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 19 Neo की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में QVGA देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y33T में Adreno 610 जबकि Camon 19 Neo में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y33T में Qualcomm Snapdragon 680 और Camon 19 Neo में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Y33T में 8GB जबकि Camon 19 Neo में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y33T में अप टू 1TB जबकि Camon 19 Neo में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y33T में Android V11 जबकि Camon 19 Neo में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y33T 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,990 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Camon 19 Neo की तो वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y33T में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Tecno Camon 19 Neo की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y33T आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y33T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है, दूसरा Realme 8 है, तीसरा Moto G40 Fusion है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।